तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो यार जैसा कि आप लोग जानते हो फिलहाल में रेनी सीजन आ चुका है और इसके जस्ट बाद आएगा विंटर का सीजन। तो यार विंटर के सीजन में और रेन के सीजन में बाइक को चलाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, खासतौर पर जब आपके हाथों में ठंड लगती है तो काफ़ी टिपिकल हो जाता है। तो उसी के लिए आज मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैंने ऑर्डर किए थे ये ग्लव्स जो कि प्रो बाइकर कंपनी के हैं, सिटी ग्लव्स हैं, और साथ साथ इनमें काफ़ी सारे फीचर हैं जो कि आपको आगे वीडियो में पता लग जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो पैकेट पे पूरी तरह ब्रांडिंग है प्रो बाइकर की, और साथ साथ इस पे पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा कि ये कैसे हैं, क्या डिटेल, मतलब पार्ट नंबर वगैरह है, कुछ भी कह सकते हो। अभी मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे हैं। और आप देखिए पैकेट पे पूरी ब्रांडिंग है और साथ साथ ये आ गए ग्लव्स हमारे बाहर, और ग्लव्स पे भी पूरी ब्रांडिंग है प्रो बाइकर की। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रो बाइकर का पूरा लोगो दिया गया है और साथ साथ यहाँ पे भी पूरी ब्रांडिंग दी गई है। ब्रांडिंग के साथ साथ लिखा गया है वाटर प्रूफ, मतलब सिंपल सी बात है, जब लिखा गया है तो यार वो भी सकते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह 100% श्योर नहीं हूँ कि वाटर प्रूफ है। बाकी मैं जब इनको यूज करूंगा प्रॉपर तो आपको एक रिव्यू या फीडबैक बताऊंगा कि कैसे है कैसे नहीं है। बाकी अभी हम इन पूरे ग्लव्स के बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे हैं, कितने के पड़े, कहाँ से ऑर्डर किया, कैसे ऑर्डर किया, ये मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। तो सिंपल सी बात है, देखो ये जो ग्लव्स हैं इतने एक्सपेंसिव नहीं है जितने एक विंटर वाले ग्लव्स और वेदर प्रूफ ग्लव्स, आई मीन टू से रेन प्रूफ ग्लव्स या वाटर प्रूफ ग्लव्स होते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे आपको ये जो सिटी लिखा है ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल से लिखा गया है, जो कि अगर आप इस पे लाइट मारते हो तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, और साथ साथ यहाँ पे तीन छोटे छोटे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा लेदर टाइप का मटेरियल दिया गया है लेकिन ये लेदर नहीं है एक्चुअली, और ये जो यहाँ पे दी गई है थोड़ी सी कह सकते हो गार्ड टाइप का कुछ दिया गया है जिसमें प्लास्टिक अंदर यूज़ की गई है ग्लव्स के अंदर, और ये काफ़ी अच्छी फिनिश के साथ आते हैं। इनकी फिनिशिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप खुद देख सकते हैं इनकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी कुछ ग्रिप टाइप की दी गई है, इसको पैडिंग नहीं कहेंगे, ये पैड बिल्कुल नहीं है, इसमें पैडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक ग्रिप है, नॉर्मल सी ग्रिप है, इसमें पैडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको दोबारा से क्लियर बता दूं तो ये पैडिंग के पर्पज से नहीं है, केवल ग्रिप के पर्पज से है, टू इंक्रीज द ग्रिप ऑन थ्रॉटल, ये केवल इसी पर्पज से, और कुछ इसका पर्पज नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फोन की टच स्क्रीन को टच करने के लिए दो फिंगर्स पे और एक थंब पे टच का मतलब सेंसर दिया गया है, जिससे कि आप टच स्क्रीन फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं ये मैंने एल साइज में ऑर्डर किए, और ये जो ग्लव्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने इनको पहन के भी देखा है एक दो बार अभी, मतलब अनबॉक्स करके थोड़ा देखा था अपने यूजफुल। तो आप देखिए फिलहाल में मैं आपको इनके बारे में पूरी डिटेल देता हूँ, और ये जो ग्लव्स हैं मैंने कहाँ से ऑर्डर किए हैं ये तो आपको क्या बताऊँ, क्योंकि एक लोकल मार्केट से ही ऑर्डर किए हैं, लेकिन अगर मुझे कहीं इसका लिंक मिल गया ऑनलाइन का तो मैं आपको वहाँ ऑनलाइन का लिंक दे दूंगा। और ये मुझे लोकल मार्केट से पड़े हैं केवल और केवल 700 रुपये के, आप पूरा ओवरऑल 700 रुपये के ही हैं हाँ। और इससे जो नेक साइज था वो था 750 रुपये का, जो कि एक्सएल साइज था वो 750 रुपये का था, ये है एल साइज जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है ग्लव की, और ये 700 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी वर्थ ऑफ मनी है। और आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लव्स हैं ये अपने आप में काफ़ी कंफर्टेबल हैं, जैसा कि मैं इनको आपको पहन के दिखा देता हूँ एक बार कि ये कितने कंफर्टेबल हैं, मैं आपको एक बार पूरा रिव्यू आपको बता देता हूँ। बस मैंने ये पहन लिया है और ये देखिए आप देख सकते हैं कि मेरी फिंगर्स पे पूरी तरह फिट आ गया है, इवन फिंगर में थोड़ा सा गैप है, बस इतना सा, ऐसा ही इसमें और ऐसा ही इसमें और थोड़ा सा ही इसमें, तो इसकी फिंगर भी काफ़ी लंबी लंबी है, ऐसा नहीं है कि आपकी फिंगर्स के हिसाब से शॉर्ट है या कुछ ऐसा है। तो ये फिटिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग आ रही है हाथ पे पहनने के बाद, और ये यहाँ पे जो गार्ड है ये मतलब कह सकते हो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है, जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं बहुत सारे ग्लव्स से वो देखने में थोड़े ऑड लगते हैं, जैसा कि प्रो बाइकर की काफ़ी सारी कॉपीज आती हैं मार्केट में जो कि 200 से 300 रुपए में मिल जाती हैं नॉर्मल ग्लव्स की, मैं सिटी ग्लव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो है ये तो वाटर प्रूफ है, इन पर लिखा हुआ है, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट नहीं किए वाटर में तो मैं आपको प्रॉपर नहीं बता सकता हूँ इस बारे में कि है या नहीं है, लेकिन इनका जो कम्फर्ट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन इनके साथ एक जो बात है वो ये है कि आप इनको केवल दो ही सीजन में यूज कर सकते हो, एक तो रेन सीजन में और दूसरा विंटर सीजन में, क्योंकि विंटर सीजन में भी ये आपके हाथ को मतलब ठंडा नहीं होने देंगे क्योंकि इनमें हवा पास नहीं होती अंदर, क्योंकि इन पे लिखा है तो जब क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, इन पे लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है इनमें हवा तो पास हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे ये जो आप फिटिंग देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा होल है, तो यार ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा पर्सनली, क्योंकि
इतना बड़ा होल, मतलब इसमें से तो सिंपल सी बात है पानी घुस ही जाएगा ना जब आप बाइक चलाओगे। तो ये थोड़ा और सा लग रहा है यहाँ पे देखने में, पर इसको आप बस ऐसे ही है, 700 रुपये में ऐसे ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले अच्छे। खासतौर पर आप सोचो कि आपको वेदर प्रूफ ग्लव्स मिल जाए। तो यही है आज के वीडियो में, बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेंजर पे आके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक करके या कमेंट करके बता सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर देना, और क्या करोगे। लेकिन कमेंट में ये जरूर बताना कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चन है मैं उनको दूर कर पाऊँ इन ग्लव से रिलेटेड। बाकी यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इनसे रिलेटेड आगे आने वाला जो फीडबैक है इसी चैनल पे मिलेगा कि ये कैसे है, इनका कंफर्ट कैसा है, इनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी सिलाई वगैरह थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन दिखने में और खुलने में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि अभी नए हैं और मैंने अभी 2-3 बार यूज़ किए हैं, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी मैं इनको यूज़ करूँगा कुछ टाइम और, तो उसके बाद इनका प्रॉपर आपको फीडबैक बता पाऊँगा कि ये किस तरीके के हैं और आप इन्हें किन किन सीजन में प्रॉपर परफेक्टली यूज़ कर सकते हो। वैसे मैंने आपको बताऊं, मैंने इनको गर्मियों में यूज़ किया है और उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, इनमें बस थोड़ी सी हवा पास होती है, बहुत हल्की सी। मैंने गर्मियों में इसलिए यूज़ किया है कि गर्मियों में जो गर्म हवा होती है ना, उससे हमारी स्किन डल हो जाती है, सिंपल सी बात है, और हमारी स्किन पर डेड सेल्स बन जाते हैं काफ़ी सारे गर्म हवा की वजह से। तो इस वजह से मैंने इनको गर्मी में यूज़ करके देखा है, बस ज़्यादा लंबे रूट पर नहीं, केवल और केवल 12 किलोमीटर रूट पर यूज़ किया है, इससे ज़्यादा पे नहीं किया। बीच में उसके बाद मैंने उतार भी दिए थे, लगभग 20-25 मिनट बाद तो उतार दिए थे, तो काफ़ी सही लग रहा था। पर ऐसा नहीं है कि काफ़ी मतलब मैं ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, फील कंफर्टेबल इनको केवल आप कहोगे ये कंफर्टेबल केवल दो ही वेदर के लिए है, केवल रेन सीज़न के लिए और विंटर सीज़न के लिए, अदरवाइज ये कम्फर्टेबल एटलीस्ट समर सीज़न में तो बिल्कुल नहीं है, मैं आपको सिंपल सा बताऊँ तो। लेकिन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो आने वाले सीज़न के लिए, जैसे कि आप जानते हो अब रेन सीज़न तो चालू हो ही चुका है और इसके बाद जस्ट विंटर ही आने वाला है, तो एक बजट सेगमेंट में काफ़ी अच्छे ग्लव्स हैं, आपको सिंपल सा बताऊं तो। इनकी कॉस्ट आपको ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करोगे तो आपको 750 से 800 रुपये तक मिल सकते हैं मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा, इससे मतलब ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यही है इनके बारे में पूरा जो भी आज के वीडियो में, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताना जो भी आपके फीडबैक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।